नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में एक जो दरार है विपक्षी दलों के बीच, वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जेडीयू के जाने के बाद अब आरएलडी को लेकर भी लगातार यहां पर देखा जा रहा है कि किस तरह से अब एनडीए में शामिल होने की खबरें सामने आ रही है। हालांकि अखिलेश यादव और डिंपल यादव का साफ तौर पर कहना है कि जयंत चौधरी उन्हें धोखा नहीं देंगे, लेकिन इस तरह के बयान तो नीतीश कुमार भी देते हुए नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार भी साफ तौर पर कह रहे थे कि वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। उनका भी संकल्प है कि 2024 में चुनाव जीतकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, लेकिन जब सीट शेयरिंग पर पेच फंसा तो नीतीश कुमार भी गए, जिन्होंने इस गठबंधन की नींव रखी थी। अब ऐसे में जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे, इसकी गारंटी आखिरकार कौन देगा? लेकिन अखिलेश यादव अब अपनी नई रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरएलडी के जाने की खबरें जैसे ही राजनीतिक गलियारों में तेज हुई, इन्हें देखते हुए अब अखिलेश यादव ने अपनी कवायद को तेज कर दिया है और वो कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि एसपी के साथ गठबंधन कर ले और जो 7 सीटें यहां पर ऑफर की गई थी आरएलडी को, उनमें से लगभग 5 सीटें चंद्रशेखर आजाद को दे दे। लेकिन अब माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ गठबंधन मायावती कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद से हाल ही में सवाल पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में आखिरकार वो किस पार्टी को प्राथमिकता दे। यहां पर प्रियंका गांधी को बहन बताते हुए नजर आए, अखिलेश यादव को भाई बताते हुए नजर आए, लेकिन जब गठबंधन की बात आई तो चंद्रशेखर आजाद ने मायावती का नाम सबसे पहले लिया। मायावती को वे अपनी मां के समान मानते हैं और ऐसे में अगर गठबंधन का किसी भी पार्टी से ऑफर आता है तो यहां पर चंद्रशेखर आजाद प्राथमिकता मायावती को ही देते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए माना जा रहा है कि आरएलडी के साथ गठबंधन टूटने के बाद शायद यहां पर अब अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मायावती को नुकसान होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद सीधे सीधे मायावती के वोटों को काटने का काम करेंगे। और अब यहां पर कहा जा रहा है कि इन तमाम चीजों को देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा सकता है। ये कदम चंद्रशेखर आजाद को लेकर हो सकता है और शायद अब मायावती अपने मन को बदलती हुई नजर आ सकती हैं। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एसपी के साथ गठबंधन यहां पर होता हुआ देखा जा सकता है। हाल ही में देखा भी गया कि जब चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तार हुए थे तब बीएसपी के कई कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में उतरते हुए नजर आए, लेकिन तब भी मायावती जैसे कि तैसे ही रही, वे खामोश रही, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जिस तरीके से यूपी में पूरा समीकरण यहां पर बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्या अब इस बदलते समीकरण को देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? वर्चस्व को, सीटों को और अपने दबदबे को बचाने के लिए क्या अब मायावती चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ सकती हैं लोकसभा चुनाव के लिए, उन आरक्षित सीटों के लिए जिन पर कभी बीएसपी का दबदबा हुआ करता था? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय बनती है, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।